नाइन्थ क्लास इंग्लिश ए कोर फिक्शन वन की जब हम बात करते हैं तो फिक्शन वन हमें पढ़ना है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो GM का मतलब ग्रैंड मदर। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, और इसको लिखने वाली लेखिका है सुधा मूर्ति। मतलब इस कहानी को लिखने वाली राइटर जो अपनी कहानी सुना रही है उनका नाम है सुधा मूर्ति। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। मैं सीधा कहानी पर आता हूँ। तो सुधा मूर्ति बताती हैं अपने बचपन की बात, वो अपनी बचपन की बातों को शेयर कर रही हैं तुम्हारे साथ। तो वो ये कहती हैं कि जब वो 12 साल की एक छोटी बच्ची थी तो वो नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव का नाम नहीं बताया गया है, फिलहाल ये बताया गया है कि नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव में वो रहती थी अपनी दादा दादी के साथ। फिलहाल इस कहानी के अंदर दादा का उल्लेख नहीं किया गया है, उसके दादाजी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया गया है, ग्रैंड मदर दादी माँ के बारे में बताया गया है। तो सुधा मूर्ति बताती है कि जब वो 12 साल की थी तो वो अपनी दादी के साथ उस छोटे से गांव में रहती थी। वहाँ की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब जो स्थान था वो इतना हाई क्वालिटी का नहीं था, अच्छी जगह नहीं थी वो। वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ करता था इतना खराब था वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि अगर सुबह का न्यूज़पेपर हमें मिलना है तो वो दोपहर के बाद आता था न्यूज़पेपर, इतना लेट आता था। और अगर कोई मैगजीन, वीकली मैगजीन होती थी, मतलब हफ्ते में एक बार आने वाली मैगजीन होती थी, तो वो भी एक दिन लेट आती थी। मतलब इतना खराब ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। लेकिन वहाँ के बच्चे हो चाहे बड़े लोग हो, सभी को हमेशा इंतज़ार रहता था कि कब न्यूज़पेपर आएगा या कब कोई मैगजीन आएगी। सब शौक से पढ़ते थे तो सभी बच्चे अक्सर इकट्ठा हो जाया करते थे, उस बस का इंतज़ार करते थे जो बस उस मैगजीन को लेकर आती थी या न्यूज़पेपर लेकर आती थी, वीकली मैगजीन या डेली न्यूज़पेपर को। तो अक्सर वो बच्चे इंतज़ार करते थे और वहाँ के बड़े लोग उस बस का इंतज़ार करते थे, और बड़े ही उत्साह के साथ कि अब हमें कहानी को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि चैप्टर का नाम तुम्हें पता चल ही गया होगा, हाउ आई टॉट, टॉट का मतलब होता है पढ़ाना, और उसने पढ़ाया था किसको, अपनी ग्रैंड मदर को। बताओ एक छोटा बच्चा जब अपनी दादी माँ को पढ़ाता है या पढ़ाती है, एक बड़ी बात है। हमेशा हम बड़े लोग छोटे बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों से बड़ों को भी सीखने का मौका मिलता है, वैसा ही इस कहानी के अंदर है। खैर मैं ये बात अभी नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। उससे पहले मैं तुम्हें इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इस कहानी के अंदर एक राइटर का नेम उल्लेख किया जाएगा, त्रिवेणी। ये एक फेमस लेखिका है जिसका उल्लेख इस चैप्टर के अंदर किया गया है। उसमें क्या होता था, नॉर्थ कर्नाटका में एक फेमस राइटर हुआ करती थी त्रिवेणी, जो लेख लिखा करती थी, मैगजीन लिखा करती थी, नोवेल लिखा करती थी। और इतने कमाल के उसके लेख होते थे, इतने कमाल की उसकी स्टोरीज होती थी, नोवेल्स होते थे, कि लोगों को बहुत अच्छा लगता था त्रिवेणी के द्वारा लिखे गए नोवेल को पढ़ना। क्यों, उसकी खास बात है। पहली बात तो ये कि वो इतने अच्छे ढंग से अपनी चीज़ों को समझाया करती थी। दूसरी बात ये कि उसकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी त्रिवेणी में जो लिखी जाती है ना, वो लैंग्वेज हुआ करती थी कन्नड़। कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, कन्नड़ लैंग्वेज का। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, तो त्रिवेणी कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती थी, कन्नड़ लैंग्वेज का, जो कि नॉर्थ कर्नाटका में हर बच्चा जानता था। हर बच्चा, हर बड़ा बूढ़ा तो खैर नहीं जानता था, लेकिन वहां पर नॉर्थ कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज मानी जाती थी, ज्यादातर कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती थी। तो त्रिवेणी इस लैंग्वेज में लिखती थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके नोवेल होते थे। दूसरी खास बात ये है, इसके अंदर जो कहानियां लिखी जाती थी ना, त्रिवेणी केवल उन्हीं नोवेल के, उन्हीं कहानियों को लिखा करती थी जो आम लोगों से संबंधित होती है। मतलब जैसे रोजमर्रा के लोग होते हैं, उनके जीवन में जो परिस्थितियां होती हैं, जीवन की जो मुश्किलें होती हैं, जीवन की जो उपलब्धियां होती हैं, उन सभी बातों को अपने लेख के अंदर लिखा करती थी। तो जब लोग उसके लेखों को पढ़ते थे तो लोगों को लगता था कि वो अपनी कहानियां पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से त्रिवेणी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। कई बार क्वेश्चन आया पेपर में, वाई त्रिवेणी इज सो मच पॉपुलर, क्यों त्रिवेणी इतनी पॉपुलर रही थी। तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी। पहली बात तो इसका लिखने का जो स्टाइल हुआ करता था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था, बहुत ही सरल भाषा में लिखा जाता था, कर्नल लैंग्वेज में, जो कि वहाँ की पॉपुलर लैंग्वेज थी, ठीक है। दूसरी बात, ये उन्हीं समस्याओं का उल्लेख करती थी, उन्हीं बातों को अपने नॉवल में लिखा करती थी जो आम लोगों के जीवन में घटती रहती हैं, जो भी उनकी आपसी समस्याएं होती हैं उनका उल्लेख ही अपने नोवेल में करती थी। तो लोगों को लगता था कि हमारी समस्याएं, तो उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, मजा आता था, उन्हें अच्छा लगता था। इस वजह से लोग इसे काफी पसंद करते थे, त्रिवेणी के द्वारा लिखे गए नोवेल्स को, लेख को। तो एक दुख वाली बात और है, त्रिवेणी की बहुत ही कम आयु में मृत्यु हो गई थी।
त्रिवेणी ज्यादा समय, जब तक इसने नोवेल लिखे खूब चले, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई उसके बाद जो इसके लिखे गए नोवेल थे बस वही चलते रहे। और आज का समय तो खैर नहीं, इतनी फेमस थी कि इसके मरने के बाद भी 40 साल बाद भी इसके नोवेल की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, आज भी इसके नोवेल खूब बिकते हैं, ऐसा कहानी के अंदर बताया गया है। तो त्रिवेणी के द्वारा लिखे गए एक नोवेल का उल्लेख इस चैप्टर के अंदर किया जाएगा, जिसका नाम है काशी यात्री। उस समय ये एक सीरियल के रूप में आया करता था, काशी यात्री नोवेल, और इसकी एक वीकली मैगजीन हुआ करती थी जिसका नाम है कर्मवीरा। इस मैगजीन का क्या नाम होता था? कर्मवीरा। ये हफ्ते के हफ्ते आती थी, और कर्मवीरा के अंदर क्या बताया जाता है वो मैं बताता हूँ, तो ध्यान से समझो। देखो, त्रिवेणी तो लेखक लेखिका थी और उसकी नोवेल हुआ करती थी काशी यात्री, और उसके वीकली के वीकली एपिसोड आते थे जो किस नाम से आते थे? कर्मवीरा मैगजीन के नाम से। मतलब हर हफ्ते स्टोरी का एक एपिसोड, फिर दूसरे हफ्ते दूसरा एपिसोड, फिर तीसरे हफ्ते तीसरा एपिसोड, और ये सारे एपिसोड किस मैगजीन के नाम से आते थे? कर्मवीरा, जो किस नोवेल का पार्ट थी? काशी यात्री। तो इस कर्मवीरा मैगजीन के अंदर या काशी यात्री नोवेल के अंदर क्या होता है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया है और क्वेश्चन भी आएगा। तो काशी यात्री में क्या होता है, वैसे मैं नॉर्मली तुमसे एक बात करता हूँ, नॉर्मली सभी लोगों को लगता है, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं या जितने भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, सब सोचते हैं कि काशी में जाकर भगवान विश्वेश्वरा के अगर हम दर्शन करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब अगर हमें जीवन में पुण्य कमाना है तो हमें काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, तो शायद हमारे कुछ पाप कम हो जाए और हमें पुण्य की प्राप्ति हो। तो वैसा ही इसके नोवेल में बताया गया है। इसके नोवेल में क्या है, एक बूढ़ी औरत थी जिसकी अपने जीवन में ख्वाहिश थी कि वो काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना चाहती थी। कर्मवीरा मैगजीन के अंदर एक बूढ़ी औरत थी और वो चाहती थी कि वो काशी जाए और काशी जाकर वो भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करे और पुण्य कमाए। और वो काफी बूढ़ी थी तो उसे काफी संघर्ष करना पड़ा इस बात के लिए, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे, वो थोड़ी थोड़ी बचत को जोड़कर अपने पास पैसे इकट्ठे कर रही थी काशी जाने के लिए। लेकिन जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो काशी जाना चाहती है या काशी जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसे एक अनाथ लड़की मिलती है, एक ऑर्फन गर्ल, एक छोटी अनाथ लड़की उसे मिलती है उस बूढ़ी औरत को। और छोटी लड़की को प्यार हो जाता है किसी से, लेकिन उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। अब ये बूढ़ी औरत सोच रही है, या तो मैं इन पैसों से काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करूं मुझे पुण्य मिलेगा, या फिर वो अपने पैसे किसको दे देगी, इस अनाथ लड़की को दे देगी ताकि इसकी शादी हो सके या फिर शादी में इसके काम आ सके। अब तुम खुद सोचो, भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करने से ज्यादा पुण्य मिलेगा या इस अनाथ लड़की को ये जरूरतमंद के पैसे हम इसे दे दें जो कि इसकी शादी में काम आ जाएंगे, उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा? सीधी सी बात है, लड़की को देने से मिलेगा। वही काम इस बूढ़ी औरत ने भी करा, उसने अपनी सारी बचत के पैसे इसे दे दिए, और उसको भी शायद यही लगा होगा कि अगर मैं इसकी मदद करती हूँ तो मुझे उस बात से ज्यादा पुण्य मिलेगा, बजाय इसके कि मैं भगवान विश्वेश्वर की पूजा करूं। तो इसकी दादी माँ, अब मैं कहानी में वापस आ गया हूँ, अब हम बात कर रहे हैं सुधा मूर्ति की। तो सुधा मूर्ति अक्सर इस वीकली मैगजीन को पढ़ा पढ़ा कर सुनाया करती थी अपनी दादी माँ को, क्योंकि दादी माँ को कन्नड़ लैंग्वेज नहीं आती। त्रिवेणी अपने नोवेल किस लैंग्वेज में लिखती थी? कन्नड़ लैंग्वेज में, कन्नड़ लिटरेचर में। लेकिन इसकी दादी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो सुधा मूर्ति अपनी दादी माँ को हर हफ्ते ये मैगजीन पढ़कर सुनाया करती थी। और इसकी दादी माँ भी बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी से, जिसे कहते हैं ना मन में इच्छाएं कि आज हमें स्टोरी सुनने को मिलेगी, बड़े ही मजे से वो अपने घर के काम पहले से ही जल्दी कर लिया करती थी दादी माँ उसकी, और सारे काम अगर जो रह भी जाते थे उन्हें बाद में करती थी, और बिल्कुल नियमित रूप से समय निकाल कर वो इस नोवेल को अपनी पोती से सुनती थी, सुधा मूर्ति से। तो सुधा मूर्ति हर हफ्ते उसे वो नोवेल सुनाया करती थी, काशी यात्री कर्मवीरा। और जब दादी माँ उस नोवेल को सुन लिया करती थी तो वो बाहर जाती थी अपनी दूसरी सहेलियों के साथ, क्योंकि भाई दादी माँ थी, उसकी भी अपनी सहेलियां थी, उनकी हम उम्र की, मतलब और भी कुछ बुढ़ियाएं होंगी जिनके साथ वो बातचीत करती थी। और ये सुधा मूर्ति भी बाहर घूमने चली जाया करती थी, वहां के गांव के बच्चों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लुका छुपी खेलते थे, बच्चे आपस में खेलते रहते हैं। दादी माँ क्या करती थी, अपनी साथ की सहेलियों के साथ वो लेटेस्ट एपिसोड शेयर करती थी, डिस्कस करती थी, कहानी को एक दूसरे के साथ बांटती थी कि तुमने देखा उस नोवेल में क्या हुआ, किस तरह से वो बूढ़ी औरत थी, किस तरह से उसने उस अनाथ लड़की की मदद करी। तो दादी माँ को बड़ा मजा आता था अपनी सहेलियों के साथ इस तरह से नोवेल डिस्कस करने में और आगे क्या होगा ये सोचने में। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसमें खो जाते हैं, तो हम कहानी के बारे में सोचना कुछ ज्यादा ही लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा। तो वैसे इसकी दादी माँ को लगता था। तो अक्सर दादी माँ अपनी पोती से ये नोवेल सुना करती थी।
लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों बाद इसकी पोती जो कि सुधा मूर्ति थी, पास के गांव में किसी की शादी थी, पड़ोस में किसी की शादी थी, तो ये अपनी कजन के साथ वहां पर जाती है शादी अटेंड करने, किसी खास की शादी रही होगी। तो इस सुधा मूर्ति क्या करती है, अपनी कजन के साथ उस शादी को अटेंड करने जाती है। उस समय क्या होता था, शादी कोई छोटा मोटा काम नहीं होता था, बहुत अच्छा खासा इवेंट होता था। एक तरीके से ये लगा लो त्योहार की तरह होता था, बच्चे खेलते थे कूदते थे और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता था, क्योंकि भाई सुधा मूर्ति कितने साल की है, मैंने अभी भी बताया था, सुधा मूर्ति उस समय कितने साल की बात बता रही है, 12 साल की, तो वो छोटी लड़की थी, तो बच्ची थी, तो वो अपनी सहेलियों के साथ वहां पे शादी में खेलती थी कूदती थी और बड़े लोग उन्हें रोक टोक भी नहीं करते थे क्योंकि वो अपने काम में बिजी होते थे, तो खूब इंजॉय करते थे। कुल मिलाकर छोटे बच्चे शादी वगैरह के कामों को खूब इंजॉय करते थे और अच्छा भी लगता था। वैसे तो ये एक दो दिन के लिए गई थी, लेकिन वहां पर इसको एक हफ्ता रुकना पड़ गया, सुधा मूर्ति को शादी में एक हफ्ता रुकना पड़ गया। और उसी बीच दादी माँ घर पर थी इसके, अब तुम खुद सोच सकते हो, दादी माँ इसकी अकेले घर पे रुकी हुई है और सुधा मूर्ति मैरिड अटेंड करने बाहर गई हुई है। तो जब वो मैरिड अटेंड करके आती है एक हफ्ते बाद, तो वो अपनी दादी माँ को देखती है कि वो एक जगह बैठी हुई है सर झुकाकर, और उसकी आंखों में नमी है, जैसे कहते नहीं दुखी होना, अंदर से दुखी होना, आंसू नहीं आ रहे हैं लेकिन अंदर से दुखी है, उसका मन काफी उदास है, वो अफसोस सा कर रही है। तो सुधा मूर्ति परेशान हो गई, क्योंकि भाई एक हफ्ते बाद आई है, हो सकता है दादी माँ को कोई दिक्कत हो गई हो। तो सुधा मूर्ति आती कहती है, अउवा क्या बात है, तो अभी मैं बताता हूँ इसने क्या बोला। अउवा तो ये क्या होता है, कन्नड़ लैंग्वेज में अउवा का मतलब होता है माँ, दादी माँ, ठीक है, वैसे दादी माँ नहीं होता, सिर्फ माँ होता है। तो सुधा मूर्ति कभी कभी अपनी दादी माँ को माँ भी बोलती थी, तो वो उससे पूछती है, अउवा क्या बात है, ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो। ये डर गई सुधा मूर्ति, क्योंकि कितनी भी परेशानी वाली बात क्यों ना हो, दादी माँ कभी भी उदास नहीं होती थी, वो हमेशा मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी हमेशा डटकर सामना करती थी, लेकिन आज वो दादी माँ बिल्कुल शांत उदास होकर सर झुकाकर एक जगह बैठी हुई है, तो भाई टेंशन तो हो ही जाएगी। तो सुधा मूर्ति उससे पूछने की कोशिश करती है दादी माँ से कि क्या बात है मुझे बताओ। तो उस समय तो उसकी दादी माँ उसे कुछ नहीं बताती, और फिर कुछ देर बाद सुधा मूर्ति भूल जाती है बातें कि उसकी दादी माँ क्यों उदास थी। तो जब रात का समय, गर्मियों का दिन था, तो अक्सर ये अपनी खुली छत पर सोया करते थे, तो छत पर सुधा मूर्ति ने बिस्तर लगा दिया और उसकी दादी माँ उसके पास आकर बैठ गई, सुधा मूर्ति के पास, उसके कंधे के पास आके बैठ गई और उसके सर को सहलाने लगी सुधा मूर्ति को, क्योंकि सुधा मूर्ति उस समय 12 साल की बच्ची है और दादी माँ बड़ी है। तो सर सहलाती है और सर सहलाते सहलाते रात के 12 बजे हुए, आधी रात हुई भी है। अब वो दादी माँ अपनी पोती से बात करती है और वो कह रही है, क्या तुम्हें पता है, दादी माँ बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी मम्मी मर गई, मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मेरे पिताजी काफी बिजी आदमी थे, मतलब अपने धंधे में ही लगे रहते थे, उन्होंने मुझ पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उस समय लड़कियों उस समय मेरी दूसरी माँ ने मेरी कभी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय लड़कियों की पढ़ाई पर इतना ध्यान दिया ही नहीं जाता था, लड़कियों को शिक्षा देने को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, जो कि आज भी कहीं कहीं पर स्थित है। खैर आज की बात छोड़ो, तो दादी माँ उसको ये सारी बातें बता रही हैं अपनी पोती को, सुधा मूर्ति को, 12 साल की लड़की को, आधी रात को 12 बजे के आसपास। तो वो सारी बातें बता रही है कि किस तरह से उसका जीवन किस तरह से परेशानियों में गुजरा जब वो छोटी लड़की थी, दादी माँ। तो वो कह रही है कि उस समय मेरी शिक्षा को इतनी प्राथमिकता दी नहीं जाती थी, मैं कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल भेजने की जरूरत ही नहीं समझी। कुछ समय बाद मेरी शादी कुछ छोटी सी उम्र में कर दी गई, फिर मेरे बच्चे हो गए, फिर मेरे पोते पोतियां हो गए, और उनको खाना बनाने में, खाना खिलाने में, अपनी घर गृहस्थी में इतनी व्यस्त हो गई कि मुझे खुद के पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिला। लेकिन मैंने समय के साथ साथ ये जरूर समझा कि पढ़ाई किसी भी व्यक्ति के लिए, शिक्षा मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए कितना जरूरी होता है। तो उसकी दादी माँ बताते बताते आंखों में आंसू भर लाई। और अब इसकी पोती जो कि सुधा मूर्ति है, अब वो ये सोच रही है कि मेरी दादी माँ जो कि 62 साल की है, 62 ईयर ओल्ड वुमेन, 62 साल की एक बूढ़ी औरत एक 12 साल की लड़की को अपनी ये सारी बातें क्यों बता रही है, वो भी आधी रात को। तो इसकी पोती समझ जरूर रही है सुधा मूर्ति कि जरूर कुछ गंभीर बातें जो मेरी दादी माँ ये सारी बातें मेरे साथ बांट रही हैं, जरूर इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो
तो दादी माँ फिर आगे की बातें बताती है कि मुझे समय के साथ साथ ये जरूर महसूस हुआ कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, और मैंने फैसला लिया कि मैं अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को कभी भी स्कूल से दूर नहीं रखूंगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हमेशा उन्हें पूरी शिक्षा दिलाऊंगी और उन्हें एक शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित पर्सन घोषित करूंगी, मतलब एक अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगी, और वो कहीं भी अपने जीवन में मार नहीं खाएंगे जैसे कि मैं हमेशा अफसोस करती रही हूँ। तो सुधा मूर्ति उसके चेहरे को देखती है, अपनी दादी माँ के चेहरे को। दादी माँ का चेहरा काफी उदास है और अब वो रो रही है, आंसू आ रहे हैं दादी माँ के। अब वो सुधा मूर्ति कहती है, आप रोइए मत, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि जिसकी वजह से आपका यह दुख खत्म हो जाए। तो अब दादी माँ कहती है कि हाँ, मैं कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ना चाहती हूँ, कन्नड़ सीखना चाहती हूँ, पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ। तो इस बात पर उसकी पोती थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाती है, चौंक जाती है, क्योंकि दादी माँ की एज 62 साल की है और अब वो कन्नड़ अल्फाबेट पढ़ना लिखना चाहती है, सीखना चाहती है। उसके बाल पूरी तरह से ग्रे हो गए, जैसे कि अच्छी खासी बुढ़िया के हो जाते हैं, उसके हाथों पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, और वो अपनी दादी से कहती है कि तुम्हें कितना किचन में काम रहता है, अब ऐसे में आप कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहते हो, कितना मुश्किल काम होगा ये आपके लिए। तो उसकी दादी माँ, पोती तो बचपने में वो ऐसा बोल देती है, उसे अपनी दादी माँ की बेइज्जती नहीं करनी थी, लेकिन वो अपने बचपन में बोल देती है ऐसी मजाक मजाक में, लेकिन उसकी दादी माँ मुस्कुराती है और फिर भी यही कहती है कि मैं कन्नड़ अल्फाबेट सीखने के लिए कितनी भी मेहनत करूंगी, जितने दूसरे लोग करते हैं मैं उनसे भी ज्यादा करूंगी, बताओ तुम मुझे क्या ये कन्नड़ अल्फाबेट सिखाओगे, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ कन्नड़ अल्फाबेट सीखने के लिए। तो उसकी पोती फैसला लेती है कि हाँ, मैं तुम्हें कल से कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। तो वो उसको पढ़ना लिखना सिखाती है और दशहरे के दिन सरस्वती पूजा को डेडलाइन बनाती है, मतलब अंतिम रेखा बनाती है कि इस दिन तक मैं कन्नड़ लैंग्वेज पूरी तरह से सीख लूंगी, पढ़ना और लिखना। तो दशहरे को वो डेडलाइन बनाती है सरस्वती पूजा का दिन। तो दिन प्रतिदिन उसकी पोती अपनी दादी माँ को लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, वो नियमित रूप से होमवर्क करती है, और उनका जो होमवर्क होता था वो बहुत ही कमाल का हुआ करता था, बहुत ही अच्छे ढंग से वो होमवर्क को करती थी, बहुत ही नियमित रूप से पढ़ती थी, जितना काम उन्हें दिया जाता था उससे ज़्यादा करती थी, और बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब वो अपने काम को बहुत ही दृढ़ता से कर रही है, बहुत ही संकल्प के साथ कर रही है, जैसे कहते नहीं है मैंने बहुत कड़ा फैसला ले लिया है कि मैं ये करके रहूंगा। उनकी जो कन्नड़ लैंग्वेज सीखने की इच्छा थी, जो विलिंगनेस थी, वो बहुत ही स्ट्रांग थी और वो उनके काम में साफ झलकती थी। तो उसकी पोती सोचती है कि ये मेरी कितनी अच्छी विद्यार्थी है जो इतना अच्छा करती हैं, और शायद ही कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो इतने कम समय में इतनी तेजी से काम करेगा। तो सुधा मूर्ति उसको दिन प्रतिदिन कन्नड़ लैंग्वेज सिखाती हैं, दादी माँ बोलती थी, लिखती थी, दोहराती थी, रिपीट करती थी, बार बार लर्न करती थी, बार बार याद करती थी, अलग अलग तरीके से वो उसको पढ़ना लिखना सीखती थी। तो काफी अच्छे से वो मेहनत कर रही थी, और धीरे धीरे करके सुधा मूर्ति को भी अब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो उनकी पहली विद्यार्थी थी, और सुधा मूर्ति ने शायद ही ये कभी सोचा होगा कि आज वो अपनी दादी माँ को पढ़ा रही है और भविष्य में वो कंप्यूटर साइंस सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया करेगी। तो तुम्हें मालूम नहीं है, सुधा मूर्ति रियल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी प्रोफेसर रह चुकी है, साइंस की फील्ड में काफी बड़ा नाम है सुधा मूर्ति का रियल में। तो उन्होंने सैकड़ों बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाया है, और शुरुआत उन्होंने अपनी दादी माँ से करी है, जिनको उन्होंने क्या सिखाया था, कन्नड़ लैंग्वेज। तो सुधा मूर्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज वो अपने दादी माँ को सिखा रही है, भविष्य में वो सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया करेगी। तो वो दिन प्रतिदिन उन्हें सिखाती थी, और ऐसे करते करते दशहरे की डेडलाइन आ गई, और सुधा मूर्ति ने अपनी दादी माँ के लिए करम वीरा काशी यात्री का नोवेल खरीद लिया। उस समय तक ये नोवेल पूरी तरह से छप चुका था, वो अपनी दादी माँ को गिफ्ट करना चाहती थी, मतलब सुधा मूर्ति अपने पहली स्टूडेंट को वो तोहफा देना चाहती थी, और वो उनको उनसे पूछना चाहती थी कि पढ़कर मुझे बताओ, एक तरीके से टेस्ट भी हो जाता। तो दशहरे का दिन आया, सबसे पहली बात तो ये हुई अजीब कि दादी माँ ने अपनी पोती को एक स्टूल पर बिठा दिया और उनको कुछ तोहफा दिया, जैसे कि एक स्टूडेंट अपने टीचर को देता है, अपने गुरु को कुछ दक्षिणा देता है, तो वैसे ही उसकी दादी माँ ने अपनी पोती को कुछ गिफ्ट दिया और अपनी पोती के आगे झुकी और पैरों को छुआ, तो पोती ने तुरंत पैर पीछे कर लिए, क्योंकि हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, ना कि बड़ों से आदर करवाना चाहिए,
हमें हमेशा भगवान का आदर करना चाहिए, अध्यापक का आदर करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, ना कि उनसे हमें अपना आदर करवाना चाहिए। तो उसकी पोती को ये बात काफी अजीब लगी। सुधा मूर्ति को अपनी दादी माँ के द्वारा पैर छुवाना थोड़ा सा अजीब लगा और शर्मिंदगी भी लगी। तो उसकी दादी माँ कहती है कि मैं पैर अपनी पोती के नहीं, अपने गुरु के छू रही हूँ। तुमने मुझे ये लैंग्वेज पढ़ना लिखना सिखाया है, और जब कोई व्यक्ति या कोई गुरु हमें कुछ चीज़ सिखाता है, ना तो वो गुरु छोटा होता है ना वो बड़ा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, भेदभाव किसी तरह का नहीं होता। गुरु हमेशा गुरु होता है, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो। और हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि हम अपने टीचर का, अध्यापक का, गुरु का आदर करें, और वही मैं कर रही हूं। तो उसकी दादी माँ अपनी पोती के पैर तो छूती हैं, लेकिन पोती के नहीं, अपने गुरु के, अपने टीचर के, तब वो पैर छूती हैं और वो अपने आदर को दिखाती हैं। तो फिर पोती उसकी उठ जाती है, सुधा मूर्ति, और उसको वो नोवेल गिफ्ट करती हैं। तो दादी माँ बड़े उत्साह से वो नोवेल का ऊपर की जो गिफ्टों की रैपिंग होती है वो उसे खोलती है, और वो मैगजीन को खोलती है, नोवेल खोलती हैं, और नोवेल पे लिखे नोवेल का नाम, पब्लिशर का नाम बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही ब्रिलियंट मैनर में पढ़कर सुनाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से डिक्टेट करती हैं। तो सुधा मूर्ति को लगता है कि मेरी मेरे पहले स्टूडेंट बहुत ही अच्छे अंक से पास हो गई है, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर्नल लैंग्वेज सीखने में कामयाब हो गई है।